पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल को अपना घर मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना आज पूरा हुआ है। अटल रोहतांग टनल का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। रोहतांग टनल के उद्घाटन का लाइव प्रसारण धर्मशाला के कचहरी अड्डा में लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर धर्मशाला की जनता ने देखा। इस दौरान भाजपा नेताओं सहित शहरवासी मौजूद रहे। जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के सपने को उनके शिष्य पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा करके अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन किया है। इस टनल के बनने से यह रोड लेह के लिए पूरा वर्ष खुला रहेगा। इस टनल के माध्यम से सेना और आईटीबीपी जवानों को राशन रसद लेह तक पहुंचाने में आसानी होगी। जी, हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते थे और उनका जो सपना था आज पूरा हुआ। जब जब हिमाचल प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, हिमाचल के लिए दिल खोल करके उन्होंने सहायता की है और हिमाचल के विकास की नई गाथा लिखी है। ये जो अटल रोहतांग टनल देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है, इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इससे जो हमारा पड़ोसी चाइना है उसके लिए भी, जो उसकी नियत का आप सभी को पता भी है, इस दृष्टि से भी इस टनल का बहुत ही महत्व है। और ये इस टनल के आज उद्घाटन होने से, इस टनल के पूरा होने से वहाँ पे ये रोड जो है ले तक 12 महीने खुला रहेगा और सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो आईटीबीपी है, पूरा साल उनके लिए राशन रसद जो भी है इस टनल के द्वारा, इस रोड के द्वारा वहाँ ले तक पहुँचेगी। और आज लाहौल स्पीति, मनाली और हिमाचल प्रदेश के लिए ये सुखद घड़ी है कि अटल जी ने सपना संजोया था, अटल जी से इसका शिलान्यास किया था और उनके शिष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इस सपने को पूरा किया। मैं सभी हिमाचल वासियों को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और भाजपा शीर्ष नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का, अटल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने ये सपना संजोया था और आज इस विकास की नई गाथा लिखी गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।